Please subscribe my channel and press the bell icon for all the latest updates. Hey guys, welcome to my channel Connecting Krish. मैं हूं कृष्ण दुसी और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि अब लॉकडाउन का टाइम है। तो आप में से बहुत लोगों ने YouTube का नया चैनल खोला होगा या उससे पहले लॉकडाउन के टाइम पे मैंने भी YouTube का चैनल खोला है। तो YouTube में हम लोग जो आते हैं तो हम लोगों का एक मकसद होता है कि अच्छा अच्छा कॉन्टेंट आप लोगों में दे और पैसे कमाएं। लेकिन पैसे कमाने के लिए कुछ तरीका चाहिए आप लोगों को और YouTube का जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसमें आप लोगों को अप्रूव होना चाहिए। लेकिन इस मोनेटाइजेशन पॉलिसी इसी साल फरवरी के महीने में अपडेट हुआ है। तो उस अपडेटेड मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में आज कुछ बातें करेंगे हम लोग, जिनमें से ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो कि अब से मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो के छोटे से इंट्रो के बाद। बहुत से रिसर्चों के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मैं YouTube के न्यूली अपडेटेड मोनेटाइजेशन पॉलिसी, उसके साथ एग्जिस्टिंग मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से ही ये पूरा इंफॉर्मेशन आप लोगों में दे रहा हूं। तो आइए देख लेते हैं किन 20 टाइप्स के चैनलों के ऊपर अब से मोनेटाइजेशन नहीं मिलने वाला एक एक करके। तो इस लिस्ट में जो पहला नंबर का चैनल है वो है डांस चैनल। मतलब बहुत से चैनल्स आपको देखने को मिल जाएगा जहां पे खाली आपको डांस देखने को मिलेगा, बैकग्राउंड में कोई वॉइस नहीं है, उसके साथ कुछ कोरियोग्राफी भी मिल सकता है आपको म्यूजिक के साथ और कुछ म्यूजिक कवर वीडियोस भी हो सकता है डांस के साथ। आप पॉलिसी राइट साइड के इमेज में चेक कर सकते हो। दूसरा जो चैनल टाइप है वो है डीजे चैनल और रिमिक्स चैनल, जिसमें हम लोग देखते हैं कि म्यूजिक के बीट्स को फास्टर कर देते हैं या स्लो कर देते हैं या तो म्यूजिक का स्पीड थोड़ा अदल बदल कर देते हैं। तो ऐसे करने से कोई चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होगा, पॉलिसी आपको साइड में देखने को मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं तीसरे टाइप के चैनल को। तीसरा जो टाइप है वो है व्हाट्सएप स्टेटस चैनल। अभी व्हाट्सएप स्टेटस चैनल में तो क्या रहता है, कुछ 30-60 सेकंड्स का क्लिप्स रहता है कोई मूवी का या कोई सॉन्ग का और उसके साथ कोई गाना या कोई म्यूजिक डाल देते हैं या कुछ मूवी का स्पेशल सीन रहता है। तो इससे मोनेटाइजेशन नहीं मिलने वाला, मोनेटाइजेशन पॉलिसी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा साइड में। टाइप फोर जो है वो है गेमिंग चैनल विथ नो और मिनिमल वॉइस। इसका मतलब क्या है, बहुत से गेमिंग चैनल्स ऐसे भी होते हैं जिसके बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक दिया जाता है या तो बहुत ही कम बोला जाता है अपने वॉइस में। तो ऐसे चैनल्स को अब से मोनेटाइजेशन नहीं मिलने वाला, आपको पॉलिसी साइड में देखने को मिल जाएगा। आइए चैनल टाइप फाइव को देखते हैं जो कि सोशल मीडिया वीडियो री अपलोड चैनल है। बहुत से चैनल्स ऐसे मिल जाएगा आपको यूट्यूब में जो कि बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो कलेक्ट करके री अपलोड करते हैं, जैसे कि समझ लीजिए फेसबुक या कोई दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहां से वीडियो लेते हैं और अपलोड करते हैं। तो पॉलिसी आपको साइड में देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं चैनल टाइप सिक्स, वो क्या है, इमेज डिस्प्ले इमेज स्लाइड शो चैनल विथ नो नैरेटिव। मतलब आपको बहुत से चैनल्स ऐसे मिल जाएगा जिसमें एक एक करके बहुत से इमेज आते हैं, कोई वॉइस नहीं रहता और उसके पीछे एक म्यूजिक रहता है, तो उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है तो उसको मोनेटाइजेशन भी नहीं मिलेगा। तो आपको पॉलिसी साइड में देखने को मिल जाएगा। चैनल नंबर सेवन जो है वो है क्रिएटिव कॉमन वीडियो री अपलोड। बहुत से ऐसे वीडियोज रहते हैं जो कि बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और कॉमन भी होता है, तो उसको कहीं से कलेक्ट करके एक एक करके बहुत से जोड़ के एक वीडियो बना देते हैं कोई, या उसमें थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ऐसे करने से कोई चैनल मोनेटाइजेशन के लिए नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको अपना क्रिएटिविटी उसमें डालना पड़ेगा, आपको अपना वॉइस डालना पड़ेगा, फिर जाके वो अपना वीडियो बना। तो इसको ध्यान में रख के आप नेक्स्ट टाइम पे जो देखना है वो देख लीजिए, नेक्स्ट टाइम में वीडियो बनाना है, और जो पॉलिसी है वो आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं चैनल टाइप एट। हमारा जो चैनल टाइप एट है उसमें बोला जा रहा है कि जो जो चैनल कॉम्पाइलेशन वीडियो बनाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई गेमिंग का वीडियो हो, बहुत से गेमिंग का वीडियो एक साथ जोड़ के, या तो कुछ फनी वीडियो एक साथ जोड़ के, या कुछ अलग अलग टाइप का वीडियो एक साथ जोड़ के कॉम्पाइलेशन वीडियो बना देते हैं, लेकिन इस टाइप के वीडियोस में अगर आपको राइट्स भी रहता है फिर भी आपको मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा, आप पॉलिसी इमेज में देख सकते हैं। नौवा जो टाइप है चैनल का, उस टाइप का नाम है स्पोर्ट्स वीडियो चैनल। अगर आप किसी स्पोर्ट्स वेबसाइट से वीडियो डाउनलोड करके सीधा यूट्यूब में डालते हो या उसका कुछ क्लिप्स डालते हो विदाउट एनी नैरेटिव ऑफ योर्स, मतलब आपका कुछ कमेंट्री उसमें नहीं है, तो इस टाइप का चैनल मोनेटाइजेशन आपसे नहीं मिलेगा, आपको पॉलिसी राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। तो चैनल टाइप 10 क्या है, वो है रिपीटेटिव कंटेंट सिमिलर वीडियो री अपलोड चैनल। आपको बहुत से ऐसे चैनल मिल जाएगा जिसमें सेम टाइप का कंटेंट बार बार डाला जाता है या तो एक ही वीडियो बहुत बार डाला जाता है,
और ऐसा भी होता है 70-80% वीडियो वो लोग सेम रखते हैं, उसके बाद वो थोड़ा बहुत इधर उधर करके या तो थंबनेल चेंज करके या तो टाइटल चेंज करके फिर से अपलोड कर देते हैं। ऐसा टाइप के वीडियो को और चैनल को आपसे मोनेटाइजेशन नहीं मिलने वाला, आप पॉलिसी राइट साइड में देख सकते हैं। चैनल टाइप 11 जो है वो है प्रमोशनल वीडियो चैनल। प्रमोशनल वीडियो मतलब क्या है, इसमें अगर आप किसी प्रोडक्ट का या किसी पर्सन का या किसी पॉलिटिकल पार्टी और कोई या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशन कर रहे हो तो उसको अब से मोनेटाइजेशन नहीं मिलने वाला। हाँ, लेकिन आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि रिव्यू वीडियोस इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, पॉलिसी आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं नंबर 12 कौन से टाइप का चैनल है। तो यहाँ पे दिखा जा रहा है, देखिए नंबर 12 टाइप का जो चैनल है वो है रिव्यू चैनल, रोस्ट चैनल, रिएक्शन चैनल विथ नो और मिनिमल वॉइस। मतलब ऐसे बहुत से चैनल आपको मिल जाएगा जिसमें रिव्यूज मिलेगा, रोस्ट मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा, लेकिन कमेंट्री बहुत कम होता है। तो इस टाइप के चैनल में आपको और ज्यादा बोलना पड़ेगा, फिर जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा, पॉलिसी आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। 13वां जो चैनल टाइप है वो है चैनल विथ टू और मोर कॉपीराइट एंड कम्युनिटी गाइडलाइन वायोलेशंस। इस बात का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना है कि आपके चैनल में कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना हो। आप खुद से वीडियो बनाइए, आप खुद से नैरेटिव डालिए, और जो अगर आपको कुछ म्यूजिक डालना भी हो पीछे तो आप ऐसे चैनल से या ऐसे कहीं से म्यूजिक लाए जिसमें कॉपीराइट क्लेम नहीं होता। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आपके चैनल में दो या उसके ज्यादा कॉपीराइट या कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशंस आता है तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रिजेक्ट हो जाएगा, आपको पॉलिसी राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। चैनल टाइप 14 जो है उसमें बताया जा रहा है कि मल्टीपल कैटेगरी वीडियोस ऑन सेम चैनल। मतलब क्या होता है, आपको बहुत से चैनल ऐसे मिल जाएगा जिसमें आपको व्लॉगिंग देखने को मिलेगा, कुकिंग देखने को मिलेगा, पेंटिंग देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के चैनल को अभी यूट्यूब प्रमोट नहीं करेगा और उस टाइप के चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन भी नहीं होगा, आपको पॉलिसी राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। चैनल टाइप 15 क्या है, वीडियोस विद नो ह्यूमन वॉइस। मतलब ऐसे बहुत से चैनल और ऐसे बहुत से यूट्यूबर हैं जो अपने वॉइस को वीडियो में डालने को पसंद नहीं करते, वो कंप्यूटराइज वॉइस जनरेट करते हैं और उसी से वीडियो बनाते हैं। तो इस टाइप के वीडियो और इस टाइप के चैनल को अब से यूट्यूब प्रमोट भी नहीं करेगा और मोनेटाइजेशन भी नहीं अप्रूव करेगा, आपको पॉलिसी राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। चैनल टाइप 16 क्या है, वो है म्यूजिक कलेक्शन, सॉन्ग कलेक्शन ऑफ वेरियस आर्टिस्ट। आपको ऐसे बहुत से चैनल मिल जाएगा जिसमें आपको बहुत सारे सॉन्ग, बहुत सारे आर्टिस्ट या पर्टिकुलर किसी एक ही आर्टिस्ट का बहुत सारा सॉन्ग एक साथ कंपाइलेशन वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन अब से जो न्यूली अपडेटेड मोनेटाइजेशन पॉलिसीज है यूट्यूब का, उसमें से उस टाइप के चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव नहीं किया जाएगा। अगर उसमें अपना नैरेटिव डालते हो तो जाके कुछ बात बन सकता है, पॉलिसी आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। चैनल टाइप 17 क्या है, वो है मूवी ट्रेलर या वेब सीरीज या मूवी अपलोड चैनल। बहुत से चैनल ऐसे होते हैं जिसमें मूवी ट्रेलर डाला जाता है या तो वेब सीरीज का कुछ क्लिप्स या मूवी कुछ डाला जाता है, लेकिन उसमें अपना क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं रहता, खाली डाउनलोड करो कहीं से और अपलोड कर दो। तो इसमें कोई आपका क्रिएटिविटी नहीं है तो यूट्यूब भी आपको प्रमोट नहीं करेगा और मोनेटाइजेशन नहीं देगा, आप पॉलिसी राइट साइड में चेक कर सकते हो। तो हमारा चैनल नंबर 18 क्या है, चैनल्स विद क्लिक बेट वीडियोस। अभी आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि क्लिक बेट क्या है। क्लिक बेट का मतलब है आप थंबनेल में कुछ और डालते हो जिसमें ये थोड़ा आई कैची हो लेकिन आपका वीडियो में टोटली कुछ अलग ही चीज है। तो इस टाइप के वीडियो को बोलते हैं क्लिक बेट वीडियो, जिसमें टाइटल्स और थंबनेल्स अलग होते हैं लेकिन वीडियो कुछ अलग होता है। तो इस टाइप के वीडियो को यूट्यूब प्रमोट भी नहीं करेगा और चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव भी नहीं करेगा, पॉलिसी आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। तो चैनल टाइप 19 में हम लोग देख पा रहे हैं कि टॉप 10 चैनल्स विथ नो नैरेटिव। मतलब क्या है, ऐसे बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएगा यूट्यूब में जिसमें बहुत सारे चीजों के टॉप 10 बताया जा रहा है विथ बैकग्राउंड म्यूजिक, लेकिन उसमें कोई ह्यूमन वॉइस नहीं रहता। मतलब कोई कुछ बोलता नहीं, खाली वीडियो शो कर रहा होता है और बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक डाला जाता है। तो इस टाइप के चैनल्स के ऊपर यूट्यूब अब से मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूवल नहीं देगा, पॉलिसी आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। अभी हम आ चुके हैं अपने लास्ट टाइप के कैटेगरी में, जो कि वीडियोस विद नो फेस और नो वॉइस है। 2020 में जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी अपडेट हुआ है उसमें यूट्यूब सबसे ज्यादा इसी टाइप के चैनल के ऊपर जोर दिया है। अगर आपके चैनल में आपका फेस नहीं दिखाया जा रहा है या आपका अपना खुद का वॉइस नहीं डाला जा रहा है तो भाई संभल के आपका वीडियो या आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूवल 90% नेगेटिव होगा।
तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, अगर आप वीडियोस में फेस दिखा सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप फेस डालना नहीं भी चाहते हो तो आपका वॉइस ज्यादा से ज्यादा डाला करो, जिससे आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूवल का चांस बढ़ता ही जाए। तो आखिर में मैं यही बोलना चाहूंगा, ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।